क्या क्वांटीकरण के बारे में, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है क्या उसके बारे में, ठीक है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को q = mv लिखा जाता है, ठीक है, प्लस माइनस mv, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसे अपना क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो किसी आवेशित वस्तु पर जो होता है आवेश जो होता है वो किसी संख्या का पूर्ण गुणज होता है, आवेश जो होता है वो किसी संख्या का पूर्ण गुणज होता है, इसीलिए उसे आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे इराइज होता है, आवेश का क्वांटीकरण से क्वेश्चन कैसे इराइज होता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश कौन सा संभव है, उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देख रहे हो कि ना आवेश जो है संख्या का पूर्ण गुणज होता है, तो पूर्ण गुणज का मतलब यहाँ पे देखो, इन विच नेचर द चार्ज पॉसिबल इन, तो अब जैसे क्वेश्चन है आपका कि प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा आवेश संभव है, प्रकृति में पाए जाने वाला आवेश संभव है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 1/4e, दूसरा ऑप्शन है 4e और तीसरा ऑप्शन है 3/4e और चौथा ऑप्शन आपका 7/8e। तो हमने कहा कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का आवेश जो होता है वो किसी संख्या का पूर्ण गुणज होता है। तो इसमें आप देख सकते हो ऐसा क्वेश्चन 21 में एग्जाम में पूछा हुआ है कि q = ne में कौन सा मान संभव है या संभव नहीं है। इनमें हमने क्वेश्चन दिया है कि प्रकृति में पाया जाने वाला आवेश संभव है, इन विच नेचर इन चार्ज इन पॉसिबल ऑफ 1/4e, 4e और 3/4e और 7/8e। तो देख रहे हो आवेश जो होता है संख्या का पूर्ण गुणज, ये संख्या हुआ, ये आप आवेश हुआ, ये आपका पूर्ण गुणज हुआ, तो इसीलिए आंसर ये होगा। ओके।